चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और हॉट बंगाली अदाकारा मोहिनी घोष और मणि भट्टाचार्य स्टारर भोजपुरी फिल्म जिला चंपारण अब 22 सितंबर को बिहार और झारखंड के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। आपको बता दें कि बिहार में आई भीषण बाढ़ को लेकर सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने फिल्म का रिलीज डेट निर्माता सुरेंद्र प्रसाद और निर्देशक लाल बहादुर पंडित से बढ़ा देने की अपील की थी, जिसके बाद उन्होंने 1 सितंबर को फिल्म रिलीज होने वाली फिल्म जिला चंपारण की तारीख को आगे बढ़ाकर 22 सितंबर को बिहार और झारखंड के सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जाना है। गौरतलब है कि बिहार और झारखंड में इस फिल्म को रजत एंटरटेनमेंट फिल्म वितरक कंपनी रिलीज करने वाली है। डिस्ट्रीब्यूटर प्रवीण सिंह ने बताया कि अभी हाल ही में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म सुपर हिट फिल्म हमें हिंदुस्तानी, जो कि उन्होंने ही रिलीज किया था, जो बिहार और झारखंड के सिनेमाघरों में ब्लॉकबस्टर हिट साबित रही है। प्राकृति फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म जिला चंपारण के निर्माता सुरेंद्र प्रकाश और निर्देशक लाल बहादुर पंडित है को फिल्म से बहुत सारी उम्मीदें लगी हुई है। फिल्म की शूटिंग कोलकाता के बेहतरीन लोकेशन पर किया गया है। आपको बता दें कि इस फिल्म में निर्माता सुरेंद्र प्रसाद और अभिनेत्री मना भट्टाचार्य भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम मार रही है। फिल्म जिला चंपारण में अवधेश मिश्रा के साथ साथ संजय पांडे, मनोज टाइगर, आनंद मोहन, किरण यादव मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि खेसारी लाल यादव की फिल्म हमें हिंदुस्तानी की तरह ही क्या ये फिल्म जिला चंपारण भी भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर कमाल मचाती है।